अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू गोभी मटर वाले चावल। मैंने लिए हैं 8-10-12 पीस गोभी के साथ 1 कप मटर और 4 आलू उसको छोटे पीस की है, 3 कप चावल हैं, 1 टेबलस्पून दही, 3 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़े वाला प्याज, ग्रीन मिर्चें जिसको आधी काटी हुई हैं ऐसे, 1 टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पीस ऑफ बादियान, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्चें पिसी हुई और 1.5 चम्मच नमक। इसमें हमने डाला है 3 बड़े वाले चम्मच तेल, साथ ही हम डालेंगे प्याज, और इसको हम करेंगे ब्राउन। चावल हमने भिगो दिए हैं धो के, ये देखे प्याज गोल्डन हो गई है ब्राउन। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और बंद कर देंगे सबसे। साथ ही डालेंगे हम टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और दूसरे मसाले। इसको आप सही तरह से भून लें, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच दही, अगर आपने और करारा करना है तो कोई भी बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे मटर, आलू और गोभी। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, बैंगन, कैरेट और शिमला मिर्च। इसमें हम हल्का सा पानी डाल के तो ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सही तरह से भून जाए, और फिर बाद में पानी ऐड करेंगे। ये माशाल्लाह से हमारा मसाला रेडी हो गया है, इसे 10 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 3 कप चावल थे तो हम 6 से थोड़ा कम डालेंगे। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे, इसको हम हिला लेंगे और इसका नमक भी चेक कर लेंगे, अगर कम है तो आप डाल सकते हैं। पानी ऑलमोस्ट सूख गया है और इसे हम दम लगाएंगे। ये हल्का हल्का पानी रह गया है और अब इसे हम हल्की आंच करके तो दम पे लगा देंगे अबाउट 10 मिनट्स के लिए। आंच हल्की कर लेंगे।
10-12 मिनट हो गए हैं और ये दम रख चुका है माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अच्छे बन गए हैं। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं और रायते के साथ भी खा सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े के चावल बने हैं। चिकन का पुलाव तो अक्सर बनता रहता है लेकिन ये कभी कभी बनता है तो ये बहुत मज़े का लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।